बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं हुरैन कुकिंग एंड व्लॉग। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिजक में, आपके जैकों में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने करेले बनाने लगा हूं, और बहुत ही आसान तरीके से, और उसके साथ साथ गर्म गर्म रोटी तवे पर। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये मैंने प्याज लिए हैं, इनको काट लिया है, और उसके साथ ही मैंने ये करेले जो छोटा छोटा पीस काटा है मैंने, आप देख रहे हैं, ये तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने करेले लिए हैं, और एक पाव प्याज और चंद मिर्चें हरी। ये प्याज को मैंने काट के साइड पे रख दी है। अब सबसे पहले मैं एक कढ़ाई लूंगा, उसमें ऑयल डालूंगा, और सबसे पहले जो है ना करेले, उनको हम फ्राई कर लेंगे। ये मैंने फ्राई के लिए रख दिए हैं। ये इंशाल्लाह अभी इनका कलर ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे, और जो बाकी रखे हैं उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, ये करेलों में कड़वत बहुत ज़्यादा होती है, इसके लिए इसको पहले धोने के बाद नमक लगा के रखते हैं, फिर धोके से फ्राई करते हैं। और जैसे ये देखें, ये रंग इसका कलर ब्राउन हो गया, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ब्राउन भी आपने इतना ही करना है, ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा, उसके चलने शेप जो है ना वो ख़राब हो जाएगी एक साथ। अब हमने इन सारों को बाहर निकाल लिया, और इनको बाहर निकालने के बाद जो बाकी हमारे बचे हुए हैं हम वो भी ऐड कर देंगे। आज गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी है। अल्लाह पाक को बारिश अपनी रहमत बरसाए और थोड़ा सा लोगों को सुकून आए। हमारे यहाँ तो बहुत ही गर्मी है, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियां पैदा करे। और ये मैंने जो बाकी करेले रखे हुए थे, अब मैंने वो भी इसमें डाल दिए हैं। और ये जो ऑयल है वो हमारे जाया नहीं जाएगा, यही ऑयल हमें आगे काम आएगा। इसी ऑयल में हम प्याज जो है उसको भी फ्राई करेंगे इंशाल्लाह। ये देखें जी, बाकी के हमारे ये करेले भी माशाल्लाह ब्राउन कलर में आ गए हैं। अब हमने उनको बाहर निकाल लिया। अब ये ऑयल वही ऑयल है जो जिसमें हमने करेले फ्राई किए थे। अब हम इसमें ये प्याज और हरी मिर्च वो ऐड कर देंगे, और इनको भी ऐसे ही आराम से भूनते रहेंगे, और इसको भी हमने ब्राउन कलर में लाना है। दोस्तों, अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह। और ये मैं आपको बता दूं, ये मैंने जो मिर्च ऐड की है ना, ये हमारी स्पेशल बनाई हुई होती है। इसमें हमने हर चीज़ जो ऐड की होती है, इसमें लहसुन, अदरक, और उसके अलावा नमक, ये चीज़ें हमने इसे मुकम्मल ऐड करके रखी होती हैं, और अपने हिसाब से इसे, और इसको थोड़ा सा हमने पानी लगा दिया क्योंकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और जब जैसे ही थोड़ा सा इनका हम भुनेंगे, ऑयल जो तो है वो अलहदा हो जाएगा, तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे करेले। दोस्तों, ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। ये मैंने थोड़े से हल्दी डाल दी है इसमें, आप देख रहे हैं, और ऐसे ही मैं एक टीस्पून इसमें नमक ऐड कर दूंगा। बस ये सिंपल सी हमारी रेसिपी है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखे जी, ये अपना कलर इसने छोड़ दिया है, ये ऑयल इसका अलहदा हो गया। ये बबल बतेसवी यही बताते हैं कि भाई आपका मसाला जो है वो अच्छी तरह भूज गया। अब हम इसमें करेले जो हैं वो ऐड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी काफ़ी करीब है, और इसके साथ ही वो तवा गर्म हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उस पर गर्म गर्म रोटी बनाएंगे। ये माशाल्लाह देखे जी कितना प्यारा कलर, ये सिंपल सा है, हमने इसमें कोई ज़्यादा लवाजमात नहीं डाले। ये तवा हमारा गर्म हो गया, अब हम इसमें रोटी ऐड करेंगे जी। माशाल्लाह
ये देखे जी हमारा तवा है तो गर्म है, हमने अब इसमें रोटी ऐड कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही ये गरम गरम रोटी निकालेंगे उसके साथ ही मैं आपको जो दिखाऊंगा, हम डिश आउट करेंगे कढ़ाई से करेलों को निकालेंगे उसके साथ ही मैं आपको जो दिखाऊंगा हम डिश आउट करेंगे कढ़ाई से करेलों को और बड़े मजे मजे से हम खाएंगे। तो आप भी इंशाल्लाह ऐसे ही बनाएंगे और अपने बच्चों को भी खिलाएंगे और खुद भी खाएंगे। ये इंतहाई आसान है बनाना, इसमें कोई भी इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, बस थोड़ी सी मेहनत होती है। मेरी बहनें बच्चियां जो नहीं जानती बनाना वो आसानी से इसे देख कर बना सकती हैं। अब हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इसके ऊपर क्योंकि बच्चे जरा शौक से खाते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी रोटी तैयार हो गई है, अब हम दूसरी रोटी को तैयार करने लगे हैं, ऐड कर देंगे। ये हमारी दूसरी रोटी आ गई जी। जी माशाल्लाह ये हमारी दोनों रोटी तैयार हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी बहुत ही आसान सी रेसिपी करेलों वाली रेडी हो गई है इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप खुद बनाएंगे और अपने बच्चों को खिलाएंगे। दुआओं में याद रखिए, अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो अगर आपको मेरी ये करेला रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, दोस्तों रिश्तेदारों अजीजों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की सपोर्ट का, आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगे।